प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इसमें ट्रेनिंग की फीस सरकार खुद भुगतान करती है। सरकार इस स्कीम के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं और 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट यानी जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया है, उन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। सरकार ने 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। वो युवा जो ऑलरेडी स्किल्ड है या जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो किसी काम को बहुत टाइम से कर रहे हैं एंड हुनरमंद है, उनकी असेसमेंट करके उन्हें भी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, व्यापार मंच में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को भी। दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उन लोगों के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करती है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। अब नए कौशल सीखना आपको न केवल ज्ञान देगा बल्कि आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा। आप चीजों का प्रैक्टिकली ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों इस स्कीम में आपके लिए 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, प्रशिक्षण केंद्र को सिलेक्ट करना। प्रशिक्षण केंद्र सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करिए कि किस स्किल को आप लर्न करना चाहते हैं, फिर उस स्किल को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। कोर्स के लास्ट में आपका इवेल्युएशन किया जाएगा और अगर आप पास हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर लास्ट में आएगा रिवॉर्ड। इस योजना के अंदर पास होने वाले सभी बंदों को रिवॉर्ड दिया जाता है, बट अगर आपके 30% या उससे कम नंबर है तब आपको ये रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर ट्रेनिंग की फीस क्या होगी। इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवार का जो भी खर्च होगा उसके पैसे सरकार देगी और वो पैसा सीधा ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग सेंटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं जिसके अंतर्गत हर उम्मीदवार का आधार वैलिडेशन होना जरूरी है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। उसके बाद आवेदक को किसी एक स्कीम के तहत 1 साल के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी। जो युवा नौकरी करने के योग्य हो वो इस कौशल विकास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 12th पास कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सरकार द्वारा तय किया गया रिवॉर्ड आपको दे दिया जाएगा। सारा रिवॉर्ड एक ही बार में आपको दे दिया जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नौकरी या ट्रेनिंग के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। पहला, आपका आधार कार्ड। दूसरा, आपके पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ एंड तीसरा, आपकी फैमिली के किसी और मेंबर का आधार कार्ड। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आप कैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदक को अपना नामांकन कराना जरूरी होता है। इसके लिए आप pmkvyofficial.org पर जाकर अपना नाम, पता और ईमेल आईडी आदि जानकारी भरनी होती है। फॉर्म भरने के बाद आवेदक जिस तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग करना चाहता है उसे चुनना होगा। इनमें कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्र दिए गए हैं। आपका पसंदीदा तकनीकी क्षेत्र के अतिरिक्त आपको एक अतिरिक्त तकनीकी क्षेत्र का भी चयन करना होगा। ये जानकारियां भरने के बाद अपने ट्रेनिंग सेंटर का आपको चयन करना होगा। दोस्तों pmkvyofficial.org पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 5 खास बातें। पहला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आपको कोई फी पे नहीं करनी होगी।
बल्कि बतौर पुरस्कार राशि करीब 8,000 रुपए सरकार देती है। इस स्कीम में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। रोजगार मेलों के जरिए सरकार ऐसे युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करती है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कि कम पढ़े लिखे हैं या जो बीच में ही अपना स्कूल छोड़ चुके हैं। अपने पाठ्यक्रम के पूरा होने पर आपका SSC द्वारा स्वीकृत मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आप मूल्यांकन पास कर लेते हैं और आपके पास वैलिड आधार कार्ड है तो आपको सरकारी प्रमाण पत्र तथा स्किल कार्ड प्राप्त होगा। उम्मीदवार कई बार अपना मूल्यांकन करवा सकते हैं, पर उन्हें हर बार मूल्यांकन शुल्क भरना होगा। अगर आपको अभी भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर कोई क्वेरी है तो आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 8800555555। ये टोल फ्री नंबर भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।